है इस चर्चा को शुरू करने से पहले इस चर्चा का एक संक्षिप्त विवरण यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं जरूर दे दूं कि हम बात करने वाले हैं जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किसी पौधे की दो किस्मों के अलग अलग जीन्स को मिलाकर एक नई किस्म तैयार करना। जीएम सरसों के मामले में भी ऐसा किया गया है और एक नई किस्म तैयार हुई है। मौजूदा स्थिति यह है कि पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी ने इसके फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, और वही दलीलें वही तर्क सुनने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए ताकि हमें पता चले कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, जीएम मस्टर्ड से किसानों को क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा और इसके संभावित नुकसान क्या क्या है। तो मेरा पहला सवाल होगा इस मामले में भागीरथ जी से कि आखिर क्यों पड़ रही है जीएम मस्टर्ड की जरूरत, क्या जो हमारी देसी किस्में हैं वो काफी नहीं है उत्पादन के लिए। थैंक यू हिमानी जी। मैं जितने भी किसान तक के दर्शक आज इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं और जो इसको देखेंगे उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देवव्रत जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए हमारे देश के अंदर जो खाने वाला तेल है, कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल, उसके अंदर हमारा देश पिछले 30 सालों से बहुत बड़े डेफिसिट में जा रहा है। हम लोग जो हमारे यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसका तकरीबन 14 मिलियन मैट्रिक टन का हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से तकरीबन 9 मिलियन मैट्रिक टन का तो पाम ऑयल है, उसको तो आप अलग छोड़ दीजिए, लेकिन इसके अलावा 5 मिलियन मैट्रिक टन का जो एडिबल ऑयल है जो कि सोयाबीन का हो या कनोला का हो, कनोला है वो जीएम जो मस्टर्ड है उसी का एक सिस्टर स्पीसीज है। तो हम लोग ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल दुनिया के बहुत बड़े देशों से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर सरसों की जो उत्पादकता है वो बहुत कम है। पिछले अगर आप 60 साल में देखें तो हम अभी तक 1200 केजी पर हेक्टेयर के ऊपर सरसों की उत्पादकता को नहीं लेके जा पाए। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो खाने वाला तेल है उसकी उपलब्धता बहुत कम है देश के अंदर। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पिछले काफी सालों से ये कोशिश की है कि हम कैसे ही करके एडिबल ऑयल के अंदर उत्पादकता को बढ़ाएं, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हुआ है। इसका जो मुख्य कारण ये है कि ये जो फसलें हैं एडिबल ऑयल की, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे मस्टर्ड हो, ये हमारे वैज्ञानिक जो भाषा में ये कहा जाता है कि ये फसलें सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड फसल होने का मतलब ये है कि इन के अंदर जो पॉलिनेशन होता है, सीड बनने के लिए जो पॉलिनेशन होता है, उसी फसल के उसी पौधे से या उसी फसल के दूसरे पौधे के फ्लावर से पोलन इस पौधे पे आता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद में ग्रेन सेटिंग होती है। क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है इसलिए हम लोग इनमें अलग अलग प्रजाति के जो पौधे हैं सरसों के उनका हम क्रॉसिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका नेचर सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो ये जो तकनीक है नई, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ये तकनीक 1980 के अंदर इजाद हुई। दुनिया के सबसे बड़े कनोला प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इसमें ये 1996 से कॉमर्शियल स्तर पे इसका यूज हो रहा है और वो देश आज उत्पादकता में हमसे बहुत आगे हैं। और वही जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का जो वो उत्पाद कर रहे हैं उसी का तेल हमारे जैसी कंट्री जहां पे डेफिसिट है उसको भेज रहे हैं। दूसरा मुख्य मुद्दा देखिए, क्योंकि एडिबल ऑयल में हम डेफिसिट है तो इंटरनेशनल मार्केट में जब भारत कोई चीज के लिए खरीदने जाता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उन चीजों के भाव वैसे भी बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप पिछले 3 साल में देखें तो हमारे यहाँ हम जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका जो भारत सरकार को आज हम लोग 1,50,000 करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जीएम मस्टर्ड है, कोई पेनेसिया नहीं है, ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि ये सारी समस्या को का निदान कर देगी, लेकिन ये एक होप है, ये एक आशा है कि इस तकनीक के माध्यम से वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसे जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन का काम शुरू कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात यह है कि क्या सरसों में आज हाइब्रिड नहीं है? आज सरसों में हाइब्रिड है। हम एक ट्रेडिशनल मेथड से
हाइब्रिड बना रहे हैं, और उस तकनीक का इजाद भी जिन्होंने जीएम मस्टर्ड बनाया उन्होंने ही किया था, वो हाइब्रिडाइजेशन आज उसका हो रहा है और तकरीबन 35% एरिए के अंदर वो सरसों के हाइब्रिड आ रहे हैं। लेकिन उस तकनीक के अंदर कुछ लिमिटेशन है, उस तकनीक के अंदर कुछ लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन को हम बार्नेज बास्टर्ड जो सिस्टम है उसे दूर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मस्टर्ड के अंदर जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जा सके और देश में मस्टर्ड के प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा इंक्रीज हो सके, ताकि हमें जो कैनोला हम इंपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन 500,000 टन का, कम से कम उससे तो हम निदान उनसे मिले। तो इसलिए भारत सरकार विज्ञान को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे लाते हुए इस तकनीक को फील्ड कंडीशन के अंदर किसानों के खेतों में लगाना चाहती है, ताकि किसानों को इस तकनीक का लाभ मिल सके। तो भगीरथ जी के इस जवाब के बाद मैं सीधे देवप्रत जी से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जो तर्क भगीरथ जी ने दिए क्या वो काफी हैं जीएम मस्टर्ड के उपयोग को शुरू करने के लिए? आप इसके विपक्ष में अपने तर्क में क्या कहना चाहेंगे अभी, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले कि ये मुद्दा किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, भगीरथ जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे संकर बीज हैं, उन संकर बीज से ही किसानों की बर्बादी हो रही है। किस तरीके से? एक तो ये कि हम जो देसी सीड्स होते थे उनको बेच देते थे, और जो बढ़िया सीड्स उसमें से होता था उसको रख लेते थे, दोबारा उसको हम अपने आप बुआई कर लेते थे। जब से संकर सीड्स आए हैं तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको हर बार वो संकर सीड्स खरीदने के लिए जाना पड़ता है। उन्होंने उसकी जो डेज कम किए हैं क्रॉप के, संकर सीड्स में भी, कि आपकी जो क्रॉप है वो 150 से हम 140 दिन में कर देंगे, 130 दिन में कर देंगे, उससे हुआ क्या कि उसका बराबर पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। उससे मैं एक अगर मधुमक्खी पालन की तरफ से मैं बात करूं तो हमारी जो हनी भी है हाइब्रिड सीड से भी इतना हनी नहीं लेकर आ रही है जितना वो एक अपने देसी सीड से लेकर आती थी, जबकि उनकी पैदावार में इतना इफेक्ट नहीं आया है। जहां जहां मधुमक्खी पालन किया गया सरसों के साथ वहां की जो क्रॉप है वो डबल तक हुई है, और आज हमें राजस्थान के और सारे देश भर में जहां जहां हमारी मधुमक्खी लगती थी वहां के किसान आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे खेतों में मधुमक्खी लगाइए, और हमें इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है और हमारी पैदावार बढ़ रही है। तो मधुमक्खी लगने से जो पॉलिनेशन हो रहा है, जो पैदावार बढ़ रही है, वो कहीं ज्यादा है संकर सीड्स से। और डीएमएच 11 की जो बात कर रहे हैं आप, जो जीएम क्रॉप की बात कर रहे हो, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो देश को बर्बादी की तरफ हम लेके जा रहे हैं। इसमें जो हर्बिसाइड्स यूज किया गया है ग्लोफोसोनेट, उससे वो कितना खतरनाक है कि अभी से ही उसकी टेस्टिंग के, जो हमारा हनी एक्सपोर्ट होता है यूएस को और कनाडा को, मैं बता रहा हूं आपको, भगीरथ जी अभी बात कर रहे थे कि वहां पैदा हो रहा है, वहां हमारे से नॉन जीएम हनी की मांग अभी से ही हो रही है। यानी जब से यहां चर्चा शुरू हुई है उन्होंने ऐड कर दिया कि हमें नॉन जीएमओ सर्टिफाइड हनी चाहिए, यानी एक तो टेस्टेड चाहिए, दूसरी बात वहां जितना भी प्रोडक्ट सेल होता है, मैं अमेरिका का बाजार देख के आया हूँ, कनाडा का मैं 2019 में विजिट करके आया हूं मैं, तो वहां जो भी प्रोडक्ट सेल होता है उस पर लिखा जाता है कि ये प्रोडक्ट जीएम क्रॉप से लिया गया है या नॉन जीएम है। एक तरफ तो हम सरकार बात कर रही है कि हम नेचुरल खेती करनी है, मधु क्रांति लेकर आनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, किसानों की आय को डबलिंग करना है, और दूसरी तरफ हम गलत दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं।